मंत्री बन सकते हैं, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय है, जयंत चौधरी बन सकते हैं मंत्री, अनुप्रिया पटेल को फिर मिल सकता है मौका, जितिन प्रसाद और दिनेश शर्मा का नाम भी मंत्री लिस्ट में आगे चल रहा है। हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तो ये संभावित मंत्रियों के आपको नाम बता रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण तो है ही, लेकिन मंत्री पद किसको दिया जा सकता है, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन सा नया चेहरा शामिल हो सकता है जो इस बार गठबंधन के साथ दल आए हैं, जिसमें जाहिर तौर पर जो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं वो तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। अब ऐसे में यही देखना होगा कल। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो 6 संभावित नाम हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ, जो मोदी 3.0 में शामिल हो सकते हैं, जिसमें एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने हैट्रिक मारी है जीत की आगरा लोकसभा सीट से, इनका नाम चल रहा है रेस में। राजनाथ सिंह तो हैं ही, छठी बार अपनी जीत दर्ज की है इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लखनऊ से बंपर जीत। जयंत चौधरी, आरएलडी का ये गठबंधन यहाँ पर जयंत चौधरी को एक बड़ा पद दिला सकता है। संकेत मिश्रा और इस पर जानकारी देंगे। संकेत मिश्रा, ये अहम जो खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इस पर और बारीकी से आप बताइए, कौन से वो संभावित नाम हो सकते हैं यूपी से जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी आपके सोर्सेस दे रहे हैं इस पर? संकेत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बेहतर तरीके से ध्यान जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी जाति और क्षेत्रीय समीकरण को बेहतर तरीके से ध्यान देती है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से उसी आधार पर केंद्र में मंत्रियों को मौका देगी। और अगर बात की जाए राजनाथ सिंह की, जयंत चौधरी की, अनुप्रिया पटेल की, तो लगभग तय माना जा रहा है कि मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ब्राह्मण कोटे से, तो जितिन प्रसाद मंत्री बन सकते हैं। दरअसल पीलीभीत की लोकसभा की सीट है और वहां से वो चुनाव जीते हैं बड़े अंतर से। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें जो पासी कोटे से, चूंकि जो कौशल किशोर थे, लखनऊ से सटी हुई मोहनलालगंज की सीट थी लोकसभा की, वहां से सांसद थे, इस बार वो चुनाव हार गए हैं, केंद्र में मंत्री थे पासी कोटे से। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश रहेगी कि इस बिरादरी से भी जो मंत्री बनाया जाए, तो जयप्रकाश रावत को मंत्री बनाया जा सकता है। जयप्रकाश रावत 4 बार के सांसद हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद हैं, यानी कि वरिष्ठ नेता हैं। 1991 में भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे। तो ऐसे में जो जाति और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मंत्री बनाएगी। इसके अलावा महिलाओं के कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है, किसी महिला को सांसद को मौका दे सकते हैं, केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर के सियासत, दरअसल ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि इस बेल्ट से कि एक को मंत्री बनाया जाए, जिससे रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर के सियासी समीकरणों को साधा जा सके। और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों में किसी चौंकाने, यहाँ से सांसद चूंकि जीते नहीं है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे को मंत्री बना सकती है जो यहाँ